इसका चेचिस, ये अंदर से पूरा इसका इंटीरियर था जो भी है आपके सामने है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु बहुत डिमांड कर रहे थे आप लोग, बहुत ज़्यादा ही डिमांड था। तो गाड़ी आपके सामने दिख रही होगी, कौन सी है, इंट्रा। और मुझे बहुत बोल रहे थे आप सब इंट्रा V30 का वीडियो बनाए, इंट्रा V30 का वीडियो बनाइए। तो आज इंट्रा V30 मुझे मिल गई है और इसका वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ। ये अंबिकापुर में मैं खड़ा था, मुझे गाड़ी दिखी तो इनके ऑनर जो है उनसे मैं बात किया और बोला कि गाड़ी का जो है हमें वीडियो बना लूँ, तो बोले कि वीडियो बना लीजिए। तो इसका जो है पूरा कम्प्लीटली आप लोगों को मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या कैसा है, क्या है क्या नहीं है। इसका पूरा अंदर का इंटीरियर और सब कुछ पूरा टोटल दिखा देता हूँ, क्या मतलब इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या है, लाइट कैसा है, सब कुछ। तो पहले इसको आपको मैं पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कैसी है, और इंजन विंजन सब बता दूँगा, क्या है, कितना सिलेंडर है, कितना टॉर्क है और कितने सीसी की इंजन है, सारा कुछ। तो पहले इसको जो है मैं आपको चालू करता हूँ चेचिस, अरे चेचिस से नहीं, अंदर से चालू करता हूँ, इनके ऑनर से भी बात कराऊंगा। तो पहले अंदर का दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। तो गुरु ये अंदर का जो है वो सारा कुछ मैं बताता हूँ आपको, जिन लोगों ने भी बोला था उनको। ये इसका जो है वो डिग्गी है, लॉक से खुलता है चाबी इसका, मतलब अभी उधर लगा है, इसको खोल के आपको बता देंगे। ये म्यूज़िक सिस्टम लगवाए हैं या इनबिल्ट दिया था? म्यूज़िक सिस्टम लगवाए हैं। अच्छा, ये म्यूज़िक सिस्टम लगवाया गया है और ये चार्जर जो है वो इनबिल्ट आता है। इसका सीट जो है आगे पीछे होता है कि नहीं? ये वाला नहीं होता, ड्राइवर सीट। अच्छा, ड्राइवर सीट आगे पीछे होता है। और कंफर्टेबली मतलब ये इसका प्राइस जो है वो पहले सबसे बड़ी चीज़ है इसका, मतलब प्राइस रेंज की बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जितना ये रेट बताए हैं उस हिसाब से। और पासिंग इसका जो है वो मैं बता दूंगा कि कितना पासिंग है। अभी भैया बोल रहे हैं 17 क्विंटल पासिंग है, बट मैं चेक कर लूँगा कितना है, 17 है कि 12 है। और इसका अंदर का ये गियर जो है टाटा मैजिक के जैसा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 मतलब 5, और रिवर्स को लेके 6 गियर इसमें है। आगे की चीज़ें पूरी मतलब मीटर पूरा मल्टीमीटर है, यहाँ पे डीजल का है और किलोमीटर है। अभी कितना किलोमीटर टोटल चला है भैया? 10,000 11,000। अच्छा, 11,051 किलोमीटर चल गया है ये। और उसके बाद जो है इसमें टाइम का भी बड़ा सही है, 8 बज रहा है। तो मैं अपने वॉच में देखता हूँ कितना बज रहा है, 8:01 हो रहा है, प्रॉपर से एकदम सही सही टाइम भी दिखा रहा है। मतलब इजी रहता ना, हम लोग की गाड़ी में अगर महिंद्रा वाले में ऐसा दे तो फिर बहुत आसानी हो जाएगा कि मंडी जाने के लिए बार बार घड़ी और मोबाइल नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ देख के चलते रहिए। और इसका भी मीटर बंधा हुआ है 80 किलोमीटर, मतलब ये 80 के स्पीड पे ही चलता है। उधर लिखा हुआ भी है 80 किलोमीटर पर हाउस। और ये टाटा की इंट्रा है। और इसके बाद जो है इसका इंजन विंजन अभी देखेंगे और बताएंगे। इसमें जो है स्पेस बहुत है, क्योंकि बोलेरो में स्पेस इतना कम रहता है पैर दर्द करने लगता है। तो कंफर्टेबली आप जैसे इतना देखिए, इतना पैर फैला सकते हैं। ये सीट हालांकि आगे पीछे नहीं होता है, पर ड्राइवर सीट जो है वो आगे पीछे हो जाता है आसानी से, उसको आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, हालांकि हम लोग बोलेरो वालों का कमर दर्द करने लगता है, ये ना कहीं घूमता है ना कुछ, एक जगह पर पड़ा रहता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक सेकेंड सीट दिया हुआ है जो कि सोने के लिए आपको बहुत आसान। और ये हैंड ब्रेक है, और यह चार्जर आपको बताया ही कि चार्जर जो है इनबिल्ट चार्जर दिया है, 5 वॉट का चार्जर है। और बहुत सही है कि मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ कनेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो है वो करा लेंगे उसमें हो जाएगा। ये जो है कि कुछ रखने के लिए दिया हुआ है, माचिस रख सकते हैं। और ये गिलास है, हाँ ये गिलास है, जैसे कि इसमें आप पानी पी सकते हैं। वही निकल जाता है, हाँ हाँ निकल जाता है, रुको रुको घुमा के निकलेगा। हाँ तो ये है ग्लास है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा अंदर का। और ये स्पीकर इन्होंने लगाई है, ये मैट पूरा कम्प्लीटली है। इसके बाद हम आपको चेचिस दिखाएंगे, इसका चेचिस, ये अंदर से पूरा इसका इंटीरियर था जो भी है आपके सामने है। पर हाँ ये है कि स्पेस बहुत सही है, अगर एक्सीडेंटल वेंटल में तो अपने को पता नहीं है कहाँ तक है, पर क्या किस स्पीड से क्या होता है तो वो डिपेंड करता है। पर आप दूरी बहुत है तो एक्सीडेंटल में भी अगर एक्सीडेंटमेंट होता है तो आप बहुत सेफ रह सकते हैं इसमें, ये चीज़ है। और इसमें कूलेंट है, आई थिंक कूलेंट है, प्रेशर सिस्टम, हाँ। इसका पहले डाले की बात कर लेते हैं, डाला इसका 8 फीट 6 इंच का है पूरा, अंदर से आपको दिखाते हैं। बहुत लंबा डाला है, जितना बोलेरो का है लगभग उतना ही है। तो ये देख सकते हैं डाला है। और टायर इसका जो है, टायर देख लेते हैं कितने इंच का है। और बाकी चीज़ इसमें देखिए, इन्होंने मर्चा रखा हुआ है गेट में, उधर वाटर बॉटल के लिए है,
ये खोलने के लिए है, वो पकड़ने के लिए है, वो टाटा का लोगो है। तू हंस मत, तुझे मना कर रहा हूँ, हंस मत, नहीं तेरे लिए खतरा है। इधर भी गिलास दिया हुआ है। और बाकी का ये देखिए, ये लाइट अप एंड डाउन के लिए है, ये इको बटन है, और ये जो है वो रीजन लाइट है, जो कि अपने साइलेंसर में जब कार्बन पकड़ लेता है जिसकी वजह से एवरेज कम हो जाती है, तो वो रीजन लाइट है। और ये रीसेट बटन है, इससे हम अपना मीटर रीसेट कर सकते हैं। 14 इंच का है, 8 ply का टायर है, 14 इंच का है। 8 ply तो बहुत कम हो गया, 14 इंच का टायर है। और इसके चेचिस की बात करते हैं तो चेचिस आपको दिखा देता हूँ भाई, बहुत मजबूत चेचिस, मतलब महिंद्रा से भी मजबूत चेचिस दिया है, देख सकते हैं आप। महिंद्रा की चेचिस जो है सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, और इसका जो मेन चेचिस है आगे से लेके यहाँ तक, ये चेचिस जो है वो पूरा इतना कितना, मतलब कि तकरीबन 5-6 इंच का चेचिस है लगभग। इस पर चेचिस नंबर वंबर भी ये लिखा हुआ है और सारा कुछ है। यहाँ जो है बैटरी दिया हुआ है, बैटरी देख सकते हैं जो भी है ये दिखा है। और आगे से इंजन जो है, अच्छा हाँ, ये इसमें सारा कुछ, ये गियर बॉक्स है, इंजन विंजन सब नीचे ही दिया हुआ है। तो इंजन मैं आपको बता दूंगा कितने सीसी का है, कितने सिलेंडर का है सब। तो गुरु इसके बाद जो है ये है इसका एयर फिल्टर, और ये लेफ्ट साइड का जो राइट था, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड का भी वही कमानी और चेचिस का सब वही है। ये सिलेंसर इसका है जो अंदर से दिया हुआ है। और उसके बाद जो है इसका क्रास जो है वो कमानी जो है वो बोल रहे हैं ये पट्टा बिना बढ़ाए 25 क्विंटल तक लेके जाते हैं। हालांकि गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट जो है टोटल वो 2569 किलो है। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें देख लेते हैं, इनसे बात करेंगे। ये पूरी गाड़ी जो है ओवरव्यू है, 8 feet 6 inch का डाला, मतलब बहुत लंबा हो जाता है इसके इतना। रे ज़्यादा ना बोल, नहीं मार गया टकला फोड़ दूंगा, 1 second नहीं लगेगा। और इसका वाइपर का जो सिस्टम है, देखिए वाइपर में पानी कहाँ से निकलता है, यहाँ से पानी मारिए, पानी मारा हो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ से निकलता है ये इसका पानी का सिस्टम, यहाँ पे हम लोगों का यहाँ और यहाँ पे देता है। और तू मार खा जाएगा, ये 100% फिक्स है। औलाद है, औलाद की तरह रह, बाप ना बन मेरा, ठीक है। मार के चाम छोड़ा लेंगे। तो खैर जोक सपाट बोल। तो गुरु अब बाकी बाकी जो है इसके फीचर की बात करते हैं, स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो इंजन जो है उसका 1499 cc का, अरे 1469 cc का है, मतलब पकड़ लीजिए 1500 cc का। मुस्कीबत मारा मुआ फुट जी, देख लो जैसे मतलब दरिद्रता घेरा हुआ है चेहरे पे एकदम। अरे मतलब ढंग से वीडियो भी नहीं बनाने देते, तो मजाक मस्ती ब्लूपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बात करते हैं इंजन की। इंजन 1469 cc की है और 70 hp का इसका पावर है। और गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है टोटल वो 2569 है। और इसका जो है पेलोड जो दिया है वो 13 क्विंटल दिया है, मतलब 1300 क्विंटल 1300 क्विंटल इसकी पासिंग है। और उसके बाद इसका एवरेज जो है वो कंपनी बोलती है 17, पर भैया बोल रहे हैं जिनकी गाड़ी है वो बोल रहे थे कि 12-13 की ऐसे देती है। इसमें कोई इको बटन है जो दबाने के बाद कितना दे रहे भैया, इको बटन में 17 की एवरेज देती है। और ऐसे सर्विस जो है इसका, सर्विस भी बता देते हैं क्योंकि सर्विस बहुत ज़रूरी है, खर्चा और सर्विस कितना आता है। तो इसका जो सर्विस होता है वो होता है 10,000 किलोमीटर पर। सर्विस का खर्च भैया बताएंगे कितना आता है, एक सर्विस में 2600 रुपये लगेगा। एक सर्विस इनकी जो पहली सर्विस हुई थी 10,000 किलोमीटर पे, उसकी 2600 रुपया लगा था। तो आप वही अंदाजा लगा सकते हैं, वेट डाल देगा तुमको, मैं खाते में पैसा डाल देगा तुरंत, ठीक है। और उसके बाद जो है इंजन बता ही दिया 1400 cc का है, मतलब 1500 cc का है। और बाकी जो है बिना पट्टा बढ़ाए भैया बोल रहे थे 25 क्विंटल तक लेके। कहाँ से आते हैं आप? हेलो, मैं तो कुसमी से आता हूँ, बाकी लोकल कुसमी यहाँ से तकरीबन 110-120 किलोमीटर है, जहाँ पे मैं लोड करने जाता हूँ। चंपा आपको वीडियो में बताया था वहाँ पे, तो वहाँ से ये लोड करके अंबिकापुर आते हैं। कितना लोड करके आते हैं भैया टोटल? 25 क्विंटल बिना पट्टा बढ़ाए, पट्टा बढ़ा लेंगे तब 30 क्विंटल, मतलब यार तो फिर बोलेरो पिकअप में 28 क्विंटल हम लोग लेके जाते हैं, तो ये तो बढ़िया ना है, मतलब कम खर्चा और सब। ये इसकी रेट जो है इसका बंद करो वीडियो मत, एक मिनट, इसका रेट जो है वो रेट बता देते हैं आपको। रेट इसका है 675,000 में, 3 महीने पहले भैया लिए थे, BS6
अभी जो है वो 7,30,000 रुपये करंट रेट इसका बता रहा है ऑन रोड। तो अभी पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो गुरु आपको सारा स्पेसिफिकेशन बता दिया, फीचर बता दिया, अब गाड़ी वाले भैया जो है वो जा रहे हैं और आपको सारा चीज़ समझाई दिया। बहुत डिमांड थी कि भैया इस पर वीडियो बनाए, तो हमने आज इस पर जो है वो वीडियो बना दिया। और जो है कि अब अरे हट रहे, हट, थंबनेल क्लिक करा थी ना, मार दे मुंह पे। तो गुरु अब जो है वो हो गया और इसके बाद जो है अब गान मरवाने चालू करेंगे बहुत सारी का। तो गुरु आपको सारा कुछ बता दिया, वीडियो दिखा दिया, अब जो है कि आपको मतलब कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।